हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैरी पॉटर वर्ल्ड। आज हम जानेंगे जादुई दुनिया के एक महान जादूगर और हॉगवर्ट्स स्कूल के हेडमास्टर यानी कि एल्बस डंबलडोर की लाइफ के बारे में। लेकिन शुरू एल्बस डंबलडोर का जन्म 1881 में एक जादूगर परिवार में हुआ था और उनका पूरा नाम एल्बस पर्सिबल वुल्फ्रिक ब्राइट डंबलडोर था। डंबलडोर एक हाफ ब्लड थे क्योंकि उनकी माँ मगलू और पिता जादूगर थे। उनके परिवार में कुल मिलाकर पूरे 5 लोग थे, उनके माता पिता और उनके 2 भाई बहन। डंबलडोर के पिता का नाम पर्सिबल और उनकी माँ का नाम कैंड्रा था और उनके छोटे भाई का नाम एबरफोर्थ था और बहन का नाम एलियाना था। इतना ही नहीं, जेके रोलिंग ने अपने एक इंटरव्यू और ट्विटर पर बताया था कि डंबलडोर एक गे थे। जब वह छोटे थे तब उनका परिवार बहुत ही मुश्किलों में गुजरा था क्योंकि जब उनकी छोटी बहन जादू कर रही थी तब 3 मगलू बच्चों ने उन्हें जादू करते हुए देख लिया था। और जब उन लोगों ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया, तब एलियाना के ना बताने पर उन 3 बच्चों ने उसे बहुत मारा था, जिसके कारण वो अपने जादू को अपने अंदर ही दबाने लगी और एक ऑब्सिक्यूरल यानी कि अदम्य शक्ति में बदल गई। जब ये बात डंबलडोर के पिता को पता चली तब उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो पूरी तरह से टूट गए। फिर उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उन 3 मगलू बच्चों को मार दिया, जिसके कारण से पूरी जादुई दुनिया में बहुत हंगामा हुआ और डंबलडोर के पिता को अस्कबान में डाल दिया गया। लेकिन बहुत पूछे जाने पर भी उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने उन मगलबोन बच्चों को क्यों मारा। फिर कैंड्रा यानी कि डंबलडोर की माँ अपने 3 बच्चों को लेकर गरुड़ गांव आ गई और वहाँ उनकी दोस्ती बैटल्डा बैकशॉट से बहुत गहरी हो गई। और ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत गए और अब डंबलडोर भी 11 साल के हो गए थे और उन्हें हॉगवर्ट्स से लेटर आता है और स्कूल पहुंचने पर बोल्टी टोपी उन्हें ग्रिफिनडोर यानी कि गरुड़ द्वार में रखती है। स्कूल के दिनों में डंबलडोर बहुत ही होशियार और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा करते थे और अपनी क्लास में हमेशा ही सबसे आगे रहा करते थे, जिसके कारण हॉगवर्ट्स के लगभग सारे प्रोफेसर उन्हें खासी पसंद करते थे। और स्कूल के दिनों में डंबलडोर की दोस्ती एल्फिस डॉस से बहुत अच्छी हो गई थी, जिसके कारण से वो दोनों मिलकर पूरी दुनिया घूमने का एक प्लान बनाते हैं। जब स्कूल ख़त्म होने के बाद वो अपने इस टूर पर निकलते हैं तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण से उन्हें ये टूर आधे में ही छोड़ना पड़ता है। और अपने परिवार में सबसे बड़े होने के कारण अपने दोनों भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है। उनकी बहन की सच्चाई सबके सामने ना आ जाए इस वजह से उसे स्कूल नहीं भेजा जाता था, बस ये कहा जाता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण से उसे स्कूल नहीं भेज सकते। लेकिन डंबलडोर इन सब चीज़ों से खुश नहीं थे क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब करके उनका करियर बर्बाद हो रहा है। लेकिन वो अपने दोनों भाई बहनों से बहुत प्यार भी करते थे, जिसे वो कभी जताते नहीं थे। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद बैटल्डा बैकशॉट के घर पर एक लड़का आता है जो कि ग्रिंडलवॉल्ड होता है। ग्रिंडलवॉल्ड डाउनस्टैक स्कूल में पढ़ता था लेकिन स्कूल के नियम तोड़ने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और अब वो मौत के तोहफों की तलाश में गरुड़ गांव आया था। लेकिन इसी दौरान डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके कारण से वो दोनों पूरे दिन भर साथ रहते थे और रात को भी एक दूसरे को उल्लू के जरिए खत भेजा करते थे। फिर ग्रिंडलवॉल्ड डंबलडोर को अपना मकसद बताता है कि वो मौत के तोहफों की तलाश में यहाँ आया है, जिसकी वजह से वो डंबलडोर को भी अपने साथ रहने को कहता है और बताता है कि हम जादूगर हैं एल्बस और हम पे ये शक्तियाँ हैं, हम क्यों इन शक्तियों को बर्बाद करें, हम इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और मगलू लोगों पर हुकूमत करेंगे। लेकिन डंबलडोर एक गे थे और वो ग्रिंडलवॉल्ड को एक दोस्त से ज़्यादा मानने लगे थे, जिस तरह उन्हें ग्रिंडलवॉल्ड से अट्रैक्शन होने लगा था, और इसी कारण डंबलडोर ग्रिंडलवॉल्ड की इस बात को मान लेते हैं। लेकिन एक महान जादूगर और मगलू लोगों की तरफ अपना प्यार जताते हुए कहते हैं,
अगर हम लोग उन पर हुकूमत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनका ध्यान नहीं रखेंगे, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, जो कि हमारी जिम्मेवारी होगी, जो कि एक झलक भी दिखाती है असली डंबलडोर की। लेकिन उस समय वो तो अट्रैक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रिंडलवॉल्ड की इस बात को मान लेते हैं। लेकिन डंबलडोर के भाई यानी कि एबरफोर्थ को ये बात पता लग जाती है कि ग्रिंडलवॉल्ड एलियाना की अदम्य शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है, जिस वजह से वो ये बात अपने भाई डंबलडोर को बता देता है। और वो ये बात जब डंबलडोर को बताता है तब ग्रिंडलवॉल्ड भी इस बात को सुन लेता है, और वहीं उन तीनों में बहस होने लगती है। और इसी दौरान वो तीनों अपनी छड़ी निकालते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। लेकिन उन तीनों को रोकने के लिए बीच में एलियाना आ जाती है और किसी का जादू एलियाना को लग जाता है और उसके बाद उसकी वहीं मौत हो जाती है और ग्रिंडलवॉल्ड तुरंत वहां से निकल जाता है। जिसके बाद डंबलडोर हमेशा ये सोचते रहे कि वो उन्हीं का जादू था जो एलियाना को लगा था। और डंबलडोर इसी बोझ के साथ जीने लगते हैं और ठान लेते हैं कि अब वो कभी ताकत के पीछे नहीं जाएंगे। फिर कुछ साल बाद डंबलडोर को मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से ऑफर आता है, जिसे वो ठुकरा देते हैं और हॉगवर्ट्स स्कूल में एक प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन इसी दौरान ग्रिंडलवॉल्ड एल्डर छड़ी पा चुका था, जो कि मौत के तोहफों में से एक थी, और फिर अपनी फौज खड़ी करनी शुरू करता है और उसके बाद अपना आतंक फैलाने लगता है। सब लोगों को यह पता था कि डंबलडोर के अलावा उसे कोई और नहीं हरा सकता, लेकिन डंबलडोर कभी भी ग्रिंडलवॉल्ड के सामने नहीं आना चाहते थे। लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड के रोकने के लिए उन्हें उसके सामने आना पड़ा और फिर लड़ाई हुई ग्रिंडलवॉल्ड और डंबलडोर की, जहां ग्रिंडलवॉल्ड हार जाता है और डंबलडोर एल्डर छड़ी के साथ साथ उस जंग को भी जीत लेते हैं। लेकिन डंबलडोर कभी भी उस एल्डर छड़ी को रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने एल्डर छड़ी को इस वजह से रखा कि बाद में ये किसी डार्क विजार्ड के हाथ में ना आए और वो कभी अपना आतंक ना फैलाए। इस वजह से वो उस छड़ी को रख लेते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड को उसी की बनाई जेल में डाल दिया जाता है। और उसके बाद जब कुछ सालों बाद वोल्डेमॉर्ट का आतंक फैलता है, तब वोल्डेमॉर्ट ग्रिंडलवॉल्ड के पास जाता है एल्डर छड़ी की खोज में, और फिर इसी दौरान वोल्डेमॉर्ट स्नेप के जरिए डंबलडोर को भी मरवा देता है।